रिव्यू करेंगे इस वीडियो में अल्टीटस सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा, देखिए अल्टीटस सिरप एक ब्रांड नेम है एलकेम कंपनी का। एलकेम कंपनी बनाती है, हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है, नहीं मिले तो इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अल्टरनेट ब्रांड आते हैं, वो भी ले सकते हैं। दोस्तों इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों ये एक पीने की सिरप आती है, बड़े व्यक्ति में, बड़े लोगों में दी जाती है। ये सूखी खांसी की प्रॉब्लम में दी जाती है, ड्राई कफ की प्रॉब्लम में दी जाती है। अगर व्यक्ति को सूखी खांसी आती है, एलर्जी वाली खांसी है, छाती में तह तह की आ जाती है, खरखर रहती है, दासी सी आती है, खासकर रात को बहुत ज़्यादा आती है, बहुत देर तक आती है, तो वहाँ ये अच्छा काम करती है। गला छीला हुआ है, टॉन्सिल प्रॉब्लम है, कंजस्टेंट है गले के अंदर, वहाँ दी जाती है। फेफड़ों में जकड़न है, नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद रहता है, तो वहाँ पर भी काम कर देती है। एंटी एलर्जिक सिरप है, एंटी हिस्टामिन है। बात करें भाई काम किस तरह से करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है लिवोक्लोपेरेस्टिन फेंडिजोएट। लिवोक्लोपेरेस्टिन फेंडिजोएट दोस्तों एंटी एलर्जिक सॉल्ट है, खांसी की प्रॉब्लम में दिया जाता है बड़े व्यक्ति में। ये कुछ रसायन को बनने से रोकता है, जिस रसायन के कारण ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर ही काम करता है। डोज की बात करें, कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद ले सकता है। मैक्सिमम बात करें तो दिन में 3 बार ले सकता है। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, तो हो सकते हैं थोड़े बहुत साइड इफेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि सर में दर्द रह सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, या हल्का सा चेस्ट में पेन हो सकता है, लेकिन यह हर किसी को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस यही है, डॉक्टर की सलाह लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है या ब्रेस्ट फीडिंग में है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों इधर संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसे लगा कमेंट ऑप्शन बताइएगा, कुछ भी समझो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।